गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पार्ट पंद्रह हमारे उत्सव और त्यौहार हमारा जो देश है भारत देश इसे पर्वों का देश कहते हैं पर्व यानी उत्सव या त्यौहार इसे पर्वों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है मतलब यहाँ पर त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो राष्ट्रीय हो और कुछ त्यौहार तो ऋतुओं से संबंधित होते हैं तो इसीलिए ही भारत देश को त्यौहारों का देश कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनके अपने अपने त्यौहार होते हैं हमारे उत्सव और त्यौहार देते खुशियाँ हमें अपार यानी कि हमारे देश में जितने भी उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं उनसे हमें बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं जैसे कि मकर संक्रांति पोंगल या खिचड़ी या कहो लोहड़ी का त्यौहार रंग बिरंगे द्वार सजाकर खूब बांटते हैं उपहार मकर संक्रांति पोंगल और खिचड़ी या फिर लोहड़ी का त्यौहार क्यों ना हो सब इस दिन खूब सारे उपहार बांटते हैं और अपने घरों को अच्छे अच्छे तरह से सजाते हैं हमारे उत्सव और त्योहार देते हमें अपार वसंत पंचमी होली मतवाली ईद दिवाली गुरुपर्व क्रिसमस रंग बिरंगे पहन वस्त्र खूब मनाते हैं त्योहार बसंत पंचमी जो कि बसंत के महीने में आता है इस दिन इस दिन से सर्दियां थोड़ी कम होने लग जाती हैं और गर्मियों का आगमन होने लगता है बसंत पंचमी को सरस्वती जी की पूजा की जाती है उन्हें पीले फूल चढ़ाए जाते हैं बसंत पंचमी के बाद आती है होली इस दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं मिठाइयाँ खिलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं इसी तरह से ईद जो त्यौहार है वो मुसलमानों का होता है इस दिन वो लोग एक दूसरे के गले लगते हैं मिठाइयाँ खाते हैं फिर आता है दिवाली दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है ये पाँच दिन तक मनाया जाता है और दिवाली मनाने के पीछे कारण भी बताते हैं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान राम वापस अयोध्या आए थे गुरुपर्व सिखों का त्यौहार है इस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन हुआ था इसलिए इसको गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं फिर आता है क्रिसमस जो कि ईसाइयों का त्यौहार है क्रिसमस पर बच्चे खिलौनों का बच्चों को खिलौने मिलते हैं बच्चे सेंटा का इंतजार करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और उनके लिए गिफ्ट्स लाएगा इस दिन सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और खूब अच्छे अच्छे खुशियां मनाते हैं फिर आते हैं राष्ट्रीय त्यौहार जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे ये त्यौहार आते हैं ये हमारे मन में एक देश प्रेम की भावना लेकर आते हैं कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए भी हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है इसे फहराया जाता है हमारे उत्सव और त्यौहार देते खुशियां हमें अपार पंद्रह अगस्त मिली आज़ादी पंद्रह अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था लेकिन पंद्रह अगस्त उन्नीस को हमारे देश को आज़ाद कराया गया 26 जनवरी बना संविधान 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसे लागू किया गया था यानी कि उसके उसको आम जनता के लिए लागू किया गया था पाँच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और चौदह सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारी हिंदी भाषा को संविधान में स्थान मिला था चौदह सितंबर को इस तरह से हमारे देश में खुशियाँ और उत्सव मनाने के बहुत से कारण हैं बहुत सी खुशियाँ ऐसी होती है जो हम सिर्फ भारत देश में ही मनाई जाते हैं बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत देश में मनाए जाते हैं इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं थैंक यू